संबल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जिला मुख्यालय परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और देखते ही देखते सपा और भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। जमकर हंगामा, नारेबाजी और धक्का मुक्की के बीच बात इतनी बड़ी कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। सपा भाजपा कार्यकर्ताओं को आपस में जूझता देख वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। स्थिति को देख अफसरों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया, इस पर भी बात नहीं बनी। नाराज सपा कार्यकर्ता जमीन पर धरने पर बैठ गए, कार्यवाही की मांग करने लगे। आवश्यकता इस परिस्थिति में होती है कि या तो बगैर पढ़ा लिखा हो, हैंडीकैप कम नजर आता हो, मतलब ऐसी परिस्थितियों में हेल्पर बनाया जा सकता है। ऐसा कोई हेल्प और 48 घंटे का है, रातों रात हेल्पर बना दी जाए और हट्टा कट्टा सदस्य है भाजपा का, उसके साथ हेल्पर की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं, इसीलिए तो बैठे हैं, हेल्परों को बाहर निकाला जाए, चुनाव हो सके तो ये भी मांग कर रहे हैं, निरस्त किया जाए। कब तक के लिए? नहीं, अगली कोई भी डेट लगा दें। अभी प्रवक्षक महोदय आए हुए हैं, मिले नहीं है। सरकार तो इनकी है, फिर भी सरकार इनकी जब भी तो ये काम हो रहा है सरकार, फिर भी जैसे डेट फिर भी लगा दें, 8 दिन की या 10 दिन की, तो आप हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि जाने में ज़्यादा समय तो रहा नहीं, 5-6 महीने रह गए, तो जब जाने का समय नज़दीक है तो कुछ तो सुधार लाना ही पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने बाद तो फिर तलवार तो ऊपर भी लटकी है, तो ऐसा तो नहीं है। और हमें बीजेपी के लोगों ने वैसे बहुत कुछ सिखा दिया, हम तो डंडा चलाना भी नहीं जानते थे, समाजवादी के लोग बड़े सीधे लोग हैं, ये सब बीजेपी के लोगों ने सिखाया, बहुत काम ऐसे सिखा दिए जो हम करना भी नहीं चाहते थे, और उन पर विचार भी करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे काम इन्होंने घटिया बीजेपी के लोगों ने किए हैं जो हमें भी सिखाए हैं, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। इनकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो देखिए, इसमें ये ट्रेनिंग शुदा लोग हैं भाजपा के, इन्हें हर तरीके की ट्रेनिंग आती है, इन्हें हर तरीके की ट्रेनिंग आती है, झूठ ये बोल लें, लोगों को गुमराह, जनता को ये कर लें, ज़्यादा नहीं होगा तो मज़हब के नाम पर बांट दें, बहुत से तरीके इनके पास हैं जिसमें ये कामयाब होते हैं, लेकिन अब आगे को हालात अच्छे नहीं है, शायद कोई इनकी बातों में अब आएगा नहीं, क्योंकि देश बहुत पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है। सर, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, इसमें किस तरह का चुनाव चल रहा है फिलहाल बताइए। आज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पूरे प्रदेश में धानपुर धोना थामा हो गया था जी, तो उसी के लिए आज संबल जनपद में भी ये चुनाव चल रहा है, मतदान मतगणना हो रही है। अच्छा, आपकी जो अपोजिशन पार्टी है वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं वो लोग। नहीं, वो आरोप क्या लगा रहे हैं, उनका तो काम है, काम क्योंकि वो करते रहे ना, तो गुंडागर्दी करते रहे, उनके चरित्र में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र साफ सुथरा है, भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलती है, और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ही भारत माता की जय के लिए राष्ट्र हमारा देखता है, और भारत का रहने वाला चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति है वो हमारा है, इसीलिए हमने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात की है। और आपने देखा भी होगा कोरोना काल में सारी पार्टियां अपने घर में छुपाए बैठी थी, अपनी अपनी चिंता कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी ने समाज के हर वर्ग की सेवा करने का काम इस कोरोना काल में किया है। ये पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम लोग सर्व समाज की हित की बात करते। अच्छा, वो हेल्पर के बारे में विषय में कह रहे हैं कि आपके साथ हेल्पर हैं कुछ, उनके साथ क्या ज़रूरत थी, ऐसे ऐसे कुछ सवाल कर रहे हैं। नहीं, ये व्यवस्था है, चलती आई है, पहले ही चली आई, कोई आज नहीं चली है क्या? जी, समाजवादी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही, किसी की सरकार रही, तो ये व्यवस्था है, उसके तहत उनके भी हेल्पर बने, हमारे भी बने। तो उनकी नकारात्मक सोच क्यों बनी हुई है? अब खिस्यानी बल्ली खम्बा नोचे, वो हार रहे हैं इसलिए उनको ये सब दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि 5-6 महीने बचे हुए हैं, अब बीजेपी जो है वो अपना ड्रामा कर रही है इस तरह से। नहीं, बीजेपी ड्रामा नहीं कर रही है, ये तो जनता बताएगी ना, 2022 में भी फिर पुनः योगी जी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता की सेवा की। चुनाव का परिणाम क्या आएगा, क्या सोचते हैं परिणाम क्या? हम विजय हों।